हमीरपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आक्रामक हमला बोल दिया है। बीजेपी प्रत्याशी अनुराग ठाकुर पर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने क्रिकेट में मस्त रहने के आरोप जड़े, तो वहीं हमीरपुर से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने पूर्व सीएम धूमल पर चुनाव हारने के बाद सठिया जाने के साथ साथ कोमा में जाने की बात कही। साथ ही रामलाल ठाकुर ने बीजेपी के संकल्प पत्र को झूठा बताते हुए कहा कि मुख्यमंत्री कुछ समय बाद मंडी में देख लें कि वह कहां क्या होने वाला है। हमीरपुर सीट से कांग्रेस प्रत्याशी रामलाल ठाकुर ने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल के आरा मशीनों को बंद करवाने वाले बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि पूर्व सीएम धूमल आने के साथ चुनाव हार कर कोमा में चले गए हैं, तभी इसी तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आरा मशीन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के बाद बंद करवाए गए थे, लेकिन बीजेपी नेता झूठे आरोप लगाकर जनता को गुमराह कर रहे हैं। वहीं पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अनुराग ठाकुर पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि अनुराग ठाकुर ने क्रिकेट के नाम पर केवल राजनीतिक रोटियां ही सेकी हैं, लेकिन इस चुनाव का परिणाम अनुराग को आईना दिखाएगा। सुक्खू ने अनुराग से पूछा कि बीसीसीआई से उनकी छुट्टी क्यों हुई और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें माफी क्यों मांगनी पड़ी, इसका जवाब वे जनता के सामने रखें। अनुराग ठाकुर जी बताएं कि उनकी बीसीसीआई अध्यक्ष के रूप में छुट्टी क्यों हुई, क्यों उन्हें हाई सुप्रीम कोर्ट से माफी मांगनी पड़ी और कौन सा ऐसा क्रिकेटर है जो कहीं इंडियन टीम में कहीं उसको जगह मिली। सिर्फ क्रिकेट के नाम पर राजनीति करके अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं अनुराग ठाकुर जी। निश्चित तौर पर इस चुनावों में जनता सब जानती है और जब 19 मई का चुनाव आएगा उस बड़े सोच विचार करके विवेक का परिचय देकर कांग्रेस के पक्ष में मतदान करें। भाजपा के राष्ट्रीय सचिव एवं हिमाचल चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत ने दावा किया है कि पार्टी के शीर्ष नेता नरेंद्र मोदी व अमित शाह की चुनावी जनसभाओं के बाद हिमाचल का परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। प्रधानमंत्री 10 को मंडी और 13 को सोलन में आएंगे, जबकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह 12 मई को चंबा, बिलासपुर और नाहन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करने पहुंचेंगे। भाजपा के इन सभाओं के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पत्रकारों के साथ बिलासपुर में बातचीत करते हुए रावत ने कहा कि प्रदेश की चारों सीटें दोबारा से भाजपा को आएंगी, लेकिन इस बार जीत का प्रतिशत पिछले के मुकाबले काफी अधिक रहेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की रैलियों के बाद प्रदेश का चुनावी परिदृश्य पूरी तरह बदल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस बार देश की जनता ने दोबारा नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है और मोदी के अलावा लोगों के पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद देश में पिछले 5 वर्षों में इतना अधिक कार्य कभी नहीं हुआ, जिसका अनुमान लगाना अभी कठिन है। उन्होंने कहा कि देश के 8 करोड़ लोगों को निशुल्क गैस कनेक्शन देकर उन्हें धुएं से मुक्ति दिलाई गई, 4.5 करोड़ लोगों को घर तक बिजली पहुंचाई गई, साथ ही 7.5 करोड़ शौचालय बनाए गए और आयुष्मान योजना के तहत करोड़ों का इलाज निशुल्क किया गया। उन्होंने कहा कि सैनिकों का सम्मान हुआ है और उसे नक्शे कदम पर हिमाचल की जयराम सरकार भी चल रही है। जनमंच कार्यक्रम से हिमाचल सरकार ने और पन्ना प्रमुख कार्यक्रमों से पार्टी ने आम जनता तक अपनी पहुंच बनाई है, जिसका निश्चित रूप से हिमाचल के चारों प्रत्याशियों को जबरदस्त लाभ मिलेगा। हिमाचल प्रदेश के जिला बिलासपुर के तहत आने वाले उपमंडल स्वारघाट क्षेत्र में प्रशासन द्वारा चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाने के लिए जगह जगह चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय उच्च मार्ग 205
चंडीगढ़ मनाली पर छोटे बड़े वाहनों की पूरी तरीके से खोलकर चेकिंग भी की जा रही है। आपको बता दें कि पुलिस ने वाहनों में रखी आपत्तिजनक सामान की जांच व वाहनों के कागजात की जांच के साथ साथ उसकी वीडियोग्राफी भी की है। निर्वाचन आयोग की टीम के इंचार्ज ने बताया कि ड्यूटी के तहत तीन टीमों द्वारा विधानसभा क्षेत्र श्री नैना देवी के नमहोल स्वारघाट नैना देवी क्षेत्र में 24 घंटे ड्यूटी की गई। चुनाव को शांतिपूर्ण तरीके से करवाने के लिए इस क्षेत्र में बाहरी राज्य से आने वाले वाहनों में अवैध सामग्री जैसे रुपया, शराब इत्यादि सामानों पर विशेष रूप से निगरानी रखी जा रही है, जिससे कि स्वतंत्रता पूर्वक चुनाव करवाया जा सके। नैना देवी क्षेत्र में तो ये जो थी ना टीमें लगातार 24 घंटे जो है एक स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए लगातार गाड़ियों की जांच कर रही है, ताकि बाहर से कोई भी हमारे पास इलीगल कैश, लिक्वर और कोई अन्य पदार्थ ना आए जो इलेक्शन को, स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं। तो हमारी जो ड्यूटी है वो लगातार 24 घंटे चली हुई है और गाड़ियों की हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, ताकि एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जो चुनाव है वो सम्पन्न हो सके।